Welcome back. You're watching the Election Premier League. Now, Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan has been campaigning for the BJP in the poll-bound state of Rajasthan as well. In fact, in an exclusive conversation with Times Now, the current Chief Minister has taken a pot shot at the Gehlot government, claiming that the state government has destroyed Rajasthan in the last 5 years of Gehlot Sarkar. He also said that Gehlot had not fulfilled any of the promises that he made for the last 5 years, and BJP will be throwing out his Sarkar this time around. चुनावी समय है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और नेताओं का जमावड़ा राजस्थान में लगा हुआ है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप राजस्थान पहुंचे हैं, लेकिन राजस्थान में तो जैसे बड़े नेता आ रहे हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कल प्रधानमंत्री के लिए भी पनौती जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया। राष्ट्रीय शर्म है राहुल गांधी, उनको लाज नहीं आती? देश की हार पर खुशियां मनाने वाले, देश इसका जवाब लेगा, राजस्थान भी, राजस्थान की जनता इसका जवाब देगी। मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों के मन में बसे हैं और देश की श्रद्धा, आस्था और विश्वास के केंद्र हैं। मुझे लगता है कि जनता ही अब जवाब देगी। जनता जवाब देगी, लेकिन जिस तरीके से कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, वो झूठ के सरदार हैं, सिंपैथी लेने के लिए ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने, राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसके बाद भी ये कह रहे हैं, तो झूठ के सरदार तो ये है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। एमपी में जिस तरीके से एक फ्रेम में लाने की कोशिश कांग्रेस करती है, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो कमलनाथ हो, वही तस्वीर राजस्थान में नजर आती है। नाकारा निकम्मा जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ पायलट के लिए, और अब एक फ्रेम में लाके और एक साथ चुनाव हो रहा है, क्या लगता है? कांग्रेस कपड़ा फाड़ कांग्रेस बन गई है। मध्य प्रदेश में भी टिकट वितरण के बाद लोगों ने नाराजगी प्रकट की तो कमलनाथ कहने लगे दिग्विजय के कपड़े फाड़ो, उनके बेटे के कपड़े फाड़ो, और यहां भी वही कपड़े फाड़ने का माहौल है। इकट्ठा करने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन डिवाइडेड है कांग्रेस, एक दूसरे के प्रति विद्वेष से भरी हुई है और अंदर ही कांग्रेस के महाभारत मचा हुआ है।